ओम शांति। आज 20 मई 2023 प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज मुरली के सार में बाबा ने कहा कि यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसमें तुम्हें अपने लिए कमाई करनी है और किसी का भी ख्याल नहीं करना है, अपनी देह को भी भूलना है। फिर अविनाशी कमाई करने का समय बताया, रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। बाबा कहे, जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाए तो भी जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा देते हैं, क्योंकि कमाई में नींद नहीं आती। तो तुम बच्चों को भी अविनाशी कमाई में लग जाना है, बाकी इस दुनिया में ममत्व व ज्यादा लोभ नहीं रखना है। फिर याद पर और अटेंशन दिलाते हुए कहा कि तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है, फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है, और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते नहीं होती हैं, यह तो वंडरफुल कमाई है। फिर बाबा ने बड़ी विशेष गुह्य बात बताई कि लौकिक बाप कभी भी बच्चों को आप समान नहीं बनाते। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होंगे तो कोई सर्जन होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, यहाँ तो तुम सभी बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। फिर कहा, अब स्वयं बाप कहते हैं, आत्मा सजनियों मैं आया हूँ तुम सबको जगाने, तुम्हारे लिए नवयुग सतयुग सचखंड की स्थापना करने लिए आया हूँ। फिर बाबा ने सदगति पाने की विधि बताई, जो कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि यह ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते रहेंगे। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, सदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले तो सदगति को पाएंगे। सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह ज्ञान बड़े मजे का है, तुम हर एक अपने लिए कमाई करते हो, तुम्हें और किसी का भी ख्याल नहीं करना है, अपनी इस देह को भी भूल कमाई में लग जाना है। आज मुरली से प्रश्न है, अविनाशी कमाई करने की विधि क्या है, इस कमाई से वंचित कौन रह जाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, अविनाशी कमाई करने के लिए रात को व अमृत वेले जागकर बाप को याद करते रहो, विचार सागर मंथन करो, कमाई में कभी उबासी या नींद नहीं आती, तुम चलते फिरते भी बाप की याद में रहो तो हर सेकेंड कमाई है, तुम्हें इंडिपेंडेंट अपने लिए कमाई करनी है। जो उस विनाशी कमाई के लोभ में ज़्यादा जाते हैं वह इस कमाई से वंचित हो जाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बुद्धि में बैठा, साजन कहो या बाप कहो, उनको शिव बाबा को पतियों का पति क्यों कहा जाता है? अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं, साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं, वह है निराकार साजन। यहाँ साकारी साजन की कोई बात नहीं, निराकार साजन शिव बाबा को भी सजनी जरूर चाहिए, नहीं तो निराकार साजन भी सजनी बिगर रचना कैसे रचे? बच्चे जानते हैं कि वह निराकार किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं, वह परमपिता परमात्मा इनमें ब्रह्मा में प्रवेश कर सभी को जगा रहे हैं। बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को, तो तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है, हम यहाँ आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने के लिए, सन्मुख धारणा के लिए। बच्चों को जितना सन्मुख मजा आता है उतना सेंटर पर नहीं, तुम बच्चे सन्मुख हो और सेंटर वाले दूर हैं। यह बच्चों को समझाया है कि हर एक आत्मा रथी है और परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में रथी है, उनको कहा जाता है परमपिता परम आत्मा। है तो आत्मा ना, वह सदैव परे ते परे रहने वाला है। भगवान को जब याद करते हैं तो नज़र जरूर ऊपर ही जाएंगी। ओ परमपिता परमात्मा रहम करो, सभी को पता है कि वह ऊपर रहने वाले हैं, बाप अपने मुकरर किए हुए रथ में आए हैं। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इसमें रथी हूँ,
क्योंकि इस ब्रह्मा रथ द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर देवी कुल हो जाए, सतयुग हो जाए। श्री कृष्ण का शरीर सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं, हमको बेहद का बाप बैठ तीनों कालों का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। जो घड़ी बीत चुकी वह हूबहू रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा। क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उस ही नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं, मैं भी अपना निराकार रूप बदल कर साकार रूप में आया हूँ। जरूर मनुष्य तन में आएंगे तब तो सुनाएंगे। शास्त्रों में तो कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। सर्वव्यापी के ज्ञान से समझते हैं कि वह सब में प्रवेश करता है। अब बाप स्वयं कहते हैं, आत्मा सजनिया, मैं आया हूँ तुमको जगाने, नई दुनिया स्थापन करने। जो सतयुग था वह अब फिर रिपीट होगा। अब नवयुग आने वाला है। दुनिया समझती है, नवयुग आने में 40,000 वर्ष पड़े हैं। यह मनुष्यों की बड़ी भूल है। अभी बच्चे निश्चय बुद्धि हो गए हैं। दुनिया वालों के लिए जरूर नया ज्ञान है। सतयुग में देवी देवता होंगे और धर्मों का पता भी नहीं रहेगा। अभी और सब पुराने धर्म है, नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। फिर अब उस नए धर्म की स्थापना होती है। देवताओं के कुछ न कुछ चित्र हैं। समझते हैं, सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहाँ तुमको यह पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के बाद कोई राम राज्य आने वाला है। जो कुछ होता जाएगा तुम देखते जाएंगे। फिर कहेंगे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पीछे वालों को यह मालूम रहेगा कि फर्स्ट सेकेंड एडवर्ड दी होकर गए हैं। आगे फिर कब होंगे यह नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ड्रामा की नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। वह भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा बिल्कुल ही न्यारी है। यह है ज्ञान, बाप और वर्षे को याद करना। अभी तुम जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को सिनसिनरिया देखने में आती है। तुमने 84 जन्म पूरे किए, यह बुद्धि में है। यह है नई नॉलेज। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस संगम पर परमपिता परमात्मा रथी बना है। हम रथी आत्मा को वापस ले जाने। हम सब रथी हैं। अपने को आत्मा समझना है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाबा आए हैं, हमको सारा राज समझा रहे हैं। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। यह बेहद का बाप एक ही बाप हैं जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। एक ही बाप के बच्चे कोई कारपेंटर होगा, कोई सर्जन, कोई इंजीनियर होंगे। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ तुम सभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बैरिस्टर सर्जन आदि नहीं बनते हो। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़कर 100 देवता बनते हैं। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं देखा होगा। जो सब कहे हम 100 देवता पद पाने लिए पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे। यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनने का राजयोग सिखाओ। बहुत वृद्धि होती जाएंगी। बाप फिर बच्चों को कहते हैं, रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिल जाए तो अपनी नींद भी फिटा दे। कमाई में फिर नींद नहीं आती। कमाई नहीं होती है तो फिर उबासी नींद आ जाती है। कमाई में बहुत खुशी होती है। पैसे बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं कि हम सुखी रहे। बाकी पेट तो एक पाव रोटी ही मांगता है। तुम बच्चों को इस दुनिया में ममत्व नहीं रखना है। ज्यादा लोभ में नहीं जाना है। उसमें भी बुद्धि योग भागता है, फिर अविनाशी कमाई से वंचित हो जाते हैं। नहीं तो इस कमाई का बहुत ख्याल रखना है।
तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। फिर अगर चलते फिरते बाप को याद करो तो बहुत भारी कमाई है। और कमाइयाँ ऐसे चलते फिरते होती है क्या? यह तो वंडरफुल कमाई है। इंडिपेंडेंट, अपने लिए कमाई करते हो। लौकिक, बाप को बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहे, खाते रहे। इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करें। कैसा मजे का ज्ञान है। हर एक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चे मित्र संबंधियों को भी याद नहीं करना है, अपनी देह को भी याद नहीं करना है। बाप को भल इस देह में आना पड़ता है, परंतु है तो देही अभिमानी। इस समय देह में आते हैं, आकर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिकल करते रहो तो बहुत कमाई कर सकते हो। बाबा भी प्रैक्टिकल करते हैं। बाप को याद करे तो आदत पड़ जाती है। अपने को भूल, शिव बाबा याद रहता है, क्योंकि शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। यह बाबा समझता है मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक, बाप के बच्चे को रहता है ना कि हम बाप की मिल्कियत के हकदार हैं, तो इस ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना। बाबा अनुभूति करने वाली बात बता रहे हैं कि जो शिव बाबा विश्व का मालिक है उनकी प्रवेशता है, तो ब्रह्मा बाबा को भी अनुभूति होती है कि हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा की प्रवेशता है ना, तो वह नशा रहता है। हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, प्रॉपर्टी का भी मालिक हूँ। शिव बाबा खुद तो विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हैं, तुम भी विश्व के मालिक बनते हो ना। राजा चाहे प्रजा समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं, जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं। यह समझने से भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गाया हुआ भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ऐसे नहीं कि गोपी वल्लभ परमात्मा से पूछो। वल्लभ बाप को कहा जाता है। वल्लभ बाप को तो विश्व के मालिक पने का सुख पाना नहीं है। बाप कितना ऊंचा उठाते हैं। यह ब्रह्मा कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूँ। सारी दुनिया में यह कोई भी समझ नहीं सकते कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहाँ ब्रह्म में लीन होना, कहाँ ब्रह्मांड का मालिक बनना, बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। खुद बाप कहते हैं जागो सजनिया, मैं हर एक बात तुमको नहीं समझाता हूँ। क्या तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बने थे? फिर पार्ट बजाया। बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुमको स्मृति आती है ना कि मैंने तुमको विश्व के ब्रह्मांड के मालिक बनाया। फिर पार्ट बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। यह याद स्थाई रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। इससे तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यह तो निश्चय करना चाहिए कि यह हमारा बाप है। बाप के सिवाय ऐसी बातें कोई समझा ना सके। दिल में नोट करना चाहिए। यहाँ नोट्स लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर यह काम नहीं आएंगे। बैरिस्टर के पास बहुत किताब रहते हैं। शरीर छूटा खलास, पता नहीं दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है। तुम जानते हो स्वयं ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर भी खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता? बाबा ने समझाया है यह गीत घर में अपने को रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। यह गीत अपने घर में रिफ्रेश करने के लिए रखने चाहिए। कोई कोई समझते हैं ज्ञान में आने से हमको घाटा पड़ा। बाबा कहे घाटा फायदा तो पुरानी दुनिया में है ही। आज कोई वजीर है, किसी ने शूट किया तो खलास, सबको घाटा पड़ता रहता है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लुट जाए, सबको घाटा है। सिर्फ तुम बच्चों को सदा काल के लिए फायदा है भविष्य में, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाकी सारी दुनिया है घाटे में। यह सब है ऋण्य के पानी मिसल, अर्थात मृग तृष्णा के समान राज्य है।
किसी को भी मालूम नहीं, यह सब मिट्टी में मिल जाना है। सब कब्र दाखिल भस्मीभूत हुए पड़े हैं। तुम यह सब कुछ जानते हो। तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार हैं, उनको मालूम है यह दुनिया जैसे भंभोर है, सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए थे, बाकी पांडवों की विजय हुई थी। विश्व पर अर्थात नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उनसे प्रीत रखते हो। जितना जो प्रीत रखते हैं, जितना जो याद करते हैं, उतनी वह कमाई करते हैं। ऐसा कभी सुना? बाबा कहते, ऐसा कभी सुना कि सिर्फ याद से ही इतनी प्राप्ति होती है? बाकी सब प्राप्तियों में तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ प्राप्ति ही याद में है। भारत का प्राचीन योग बहुत नामी ग्रामी है, यह बाबा ब्रह्मा बाबा नहीं जानते थे। अब सब बातें बुद्धि में आ गई हैं। बाबा कहते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुमको सुनाता हूँ, वह सतयुग में नहीं रहेगा। वहाँ सतयुग में तो तुम्हारी प्रारब्ध के सुख का पार्ट जो कल्प पहले चला था, वही चलेगा। यह ज्ञान बाप एक ही बार आकर देते हैं और अंत तक देते रहेंगे। तुम भल कहाँ भी हो, शरीर छूटे तो भी शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, सुदर्शन चक्र याद हो, तब प्राण तन से निकले। कहाँ वह भक्ति मार्ग की कहावत, कहाँ यह ज्ञान की बात। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो हाथ में माला देते हैं, कहते हैं राम राम कहो तो सदगति हो जाएंगी, परंतु राम कौन है, कहाँ है, कोई जानते नहीं। तो बाबा कहते, जब जानते ही नहीं तो सदगति कैसे होंगी। कोई राम को, कोई हनुमान को याद करते हैं। अनेकों को याद करना, इसको भक्ति कहा जाता है। अब तुम एक को ही याद करते हो, जो तुमको ज्ञान दे, तुम्हारी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, स्थाई खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करना है। नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाले हैं। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख कमाई करनी है। हम आत्मा इस देह में रथी हैं, रथ समझ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, नए ते नए ऊंचे ते ऊंच संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। नए ते नए ऊंचे ते ऊंच संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, नया दिन नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर सेकंड हर संकल्प नए ते नया ऊंचे ते ऊंचा अच्छे ते अच्छा रहे, तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने का आवास फैलेगा और नई दुनिया के आने की तैयारी में जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेंगी। बाबा कहते, जो आदि में साक्षात्कार का पार्ट चला, वह पावरफुल स्थिति के द्वारा अंत में भी पार्ट चलेगा। आज का स्लोगन है, माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। माया जीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।